सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए एक पेंसिल से इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊंगा, जो कि रेफरेंस आपको दिख ही रहा होगा कि एक वेजिटेबल मार्केट का है। और ये रेफरेंस मैंने खुद क्लिक किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कैसे ड्राइंग करेंगे, क्या पर्सपेक्टिव होता है, डिटेलिंग कैसे ऐड करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊँगा। और जो भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जो भी मैं ट्यूटोरियल्स आपको मतलब मैं अपडेट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे बनाता रहूँगा आप लोग के लिए, जिससे कि आपको आपके स्किल्स आपने डेवलप कर सको, कि आपको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी अपने काम पर ला सकते हो। ओके, सो ठीक है, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कैसे हम ड्राइंग करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। और अभी जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये फैबर कैसल की 4B है। सो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग को भी ट्राई ज़रूर करना है। और मेरे एक इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, तो मेरे पेज पे आप मेरे को टैग कर सकते हैं, सैंकी आर्ट करके मेरे पेज का नाम है। ओके, सो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको रेफरेंस में भी सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देना चाहता हूँ कि इसमें आप रेफरेंस में देखेंगे तो एक प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है, एक फीलिंग आ रही 1 पॉइंट से। अगर आप देखोगे जो इसमें लाइंस जो दिख रही हैं वो एक लाइन प्रॉपर इस तरीके से जाते हुए आगे किसी एक 1 पॉइंट में जा करके मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ को पहले फोकस पे लेते हैं, देन फिर हम बाकी चीज़ों को उसी हिसाब से कनेक्ट करते रहेंगे। तो अभी पहले मैं एक जो ओल्ड मैन जो सिटिंग पोज में है, पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और देखिए, बहुत ध्यान से हर चीज़ करना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ में काम कर रहे हैं, जिनको नहीं आइडिया है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। किस आई लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होता है खासकर। तो पहले हम चीज़ों को एक सिंपली फॉर्म में निकाल लेते हैं, देन इसके हिसाब से फिर हम वर्क करते हैं। और ये अभी मैं अपने चैनल पर सबसे पहली वीडियो अपडेट कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन की। मैंने लाइव तो ली हुई क्लासेस, लेकिन पहली ऐसी वीडियो है जो आपको एटलीस्ट एक इलस्ट्रेशन की मिल रही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और ट्राई जरूर करिएगा। पहले मैं एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बहुत इजी होता है जो लोग स्केचिंग रेगुलर करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को और ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्केचिंग रेगुलर करिए, ठीक है। लोग कर तो लेते हैं, लेकिन क्या उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते उस चीज़ में, तो बस मेरा आपको एक बोलना ही रहेगा कि आप हर चीज़ को थोड़ा सा रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या आपका काम परफेक्ट जाएगा और आप बिना डरे काम को कर सकते हो। अभी मैं एक फिगर बना रहा हूँ। शेडिंग वाला पार्ट हम बाद में कर लेंगे, पहले हम उस चीज़ को एक हल्का सा एक लाइन ड्रॉ करके निकाल लेते हैं इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे जो ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ यूट्यूब के लिए आपको अच्छे लगते होंगे। और जैसा भी आज का जैसा भी वीडियो आपको लगे कमेंट जरूर करिएगा। अब जैसे कि इसके हाथ के पास जो उसने जो उसकी तौलने वाली मशीन है, तो उसका एक प्रॉपर एक जो बॉक्स एक टोकरी टाइप वो उसके हाथ के पास समथिंग आ रही है, तो उस चीज़ को हम प्रॉपर पहले चीज़ों को निकाल लो एकदम। ये नहीं डिटेल मत ऐड करो कि पहले से ही आपने एकदम डिटेलिंग स्टार्ट कर दी है, पहले धीरे करके निकाल लीजिए उस चीज़ को। और रेफरेंस जो मैं ऐड करता हूँ ये मैं खुद क्लिक करता हूँ। और लाइव क्लास में जो रेफरेंस मैं ऐड करता हूँ वो प्रॉपरली वो क्या कहते हैं पिंटरेस्ट से लिए जाते हैं रेफरेंस वो सारे। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं धीरे धीरे करके बाकी चीज़ों को बनाते हैं। एक रफली फॉर्म में एक कम टाइम में एक अच्छा फील कैसे दे सकते हैं उस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। और जो लोग एंट्रेंस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में कोई एंट्रेंस तैयारी कर रहा है खासकर आर्ट उसमें या किसी भी अदर फील्ड में जहाँ पर स्केचिंग की नीड है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको हेल्प मिल सके उस चीज़ में। चलो, बाकी का ऑब्जेक्ट तो बनते ही रहेंगे, पहले हम इस चीज़ को हल्का सा निकाल लेते हैं। और जो आपको सीन दिख रहा है वो नाइट का सीन है, तो कुछ चीज़ें आपको डार्क उसमें दिख सकती हैं,
बट मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ बन सकती है, तो मैं उस चीज़ को अपने हिसाब से बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको भी मैं शैडो में डालता हूँ, हल्का सा एक शैडो डाल लेते हैं जिससे कि उस चीज़ को हम बाद में डार्क कर सकते हैं। अभी देखना, स्टार्टिंग धीरे करके स्टार्ट तो कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन जैसे तो मैं डिटेलिंग ऐड करता जाऊँगा अपने आप इसमें डेप्थ आती जाएगी इस चीज़ में। तो आप लोग को भी बहुत ध्यान से हर चीज़ को बहुत कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं, क्या क्या किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है खासकर, वो सारी चीज़ें आपको एक फिगर देखो मैंने बना दिया इसे सिटिंग पोज में। अभी पूरा इसका पार्ट जितना दिख रहा है मैं उतना आपको बना के दिखा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें और कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। और सही बताऊँ इतनी मज़ा आती है सब चीज़ बना काम करने से, बस लगता है कि, और एक टाइम मेरा भी था कि मैं करता था काम, मुझे स्केचिंग का कोई सही सही बताऊँ कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे करते हैं क्या तरीका होता है, लेकिन प्रैक्टिस करी करते गए काम, चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती रही। इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, बस काम करते जाओ, काम करना प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया बस वहीं से आप सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो उस चीज़ को बनाए रखो क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से आप हो। थोड़ा डार्क करने के लिए मैं 6B भी यूज़ कर सकता हूँ, अभी 4B से नॉर्मल ड्राइंग कर लेते हैं। और जैसे इसके यहाँ पे पोटैटोज़ यहाँ रखे हुए काफ़ी सारे, तो आप इसको नॉर्मली सर्कल फॉर्म मतलब इस तरीके से अलग अलग इस स्ट्रोक्स में इसको आप बना सकते हो, बना लेंगे बाद में। अभी डिटेलिंग तो चलो धीरे धीरे करके होती रहेगी। और जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक टोकरी, और एक्चुअली बहुत कम मौके मिल पाते मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के, क्योंकि बहुत टाइम बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। बट फिर जब भी मौका मिलता है तो मैं आप लोग के लिए लाइव भी करता हूँ क्लासेस, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस बनाने भी हुए तो वो भी मतलब कर देता हूँ। वो टाइम डिपेंड करता है कि किस टाइम मैं फ्री हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। इसमें से अंदर हल्का सा जो पोटैटो ऐसे अंदर रखे हुए, तो उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, हल्के हल्के शैडो डाल सकते हो इसलिए, जिससे कि थोड़ी सा और डेप्थ क्रिएट हो सके। और काम करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप बनी रहेगी। अब आपने काम करना छोड़ दिया, चलो आज मैं आपको वीडियो बना के दिए डेमो दे रहा हूँ, ठीक है आज चलो आप इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो कुछ भी मतलब नहीं हुआ सीखने का। इसीलिए बोलता हूँ कि हर चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आ जाए कुछ भी नहीं पता, सही बता रहा हूँ कब क्या काम आ जाए कुछ नहीं पता। और मैं आप लोगों को बताया, मैं तो अप्लाइड आर्ट से हूँ, ठीक है पेंटिंग तो मतलब मैंने कैसे सीखी मुझे भी नहीं पता, करता गया प्रैक्टिस करता गया, सारी चीज़ें आती गई चीज़ें, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ जाए कुछ नहीं पता आज के टाइम में, तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, हर चीज़ का ट्राई करते रहो। ये मैटर नहीं करता कि आप पेंटिंग से हो, स्कल्पचर से हो, प्रिंट मेकिंग से हो या अदर स्ट्रीम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, आज के टाइम में सब कुछ जरूरी है, हर चीज सीखते जाओ, इसको अलग अलग डायरेक्शन में, आलू को अलग अलग वे में, इस तरीके से। मैंने ऐसे इलस्ट्रेशन बहुत पहले बनाए हुए हैं बट वो मेरी ऑनलाइन क्लास में होते जो कि पेड होती हैं। पहली एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो सबके लिए फ्री है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छी लगेगी। और इस चीज को आप अपने फ्रेंड से या जो भी आपके स्टूडेंट्स उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई चीज़ है जो हेल्प मिल रही तो एटलीस्ट सबको उस चीज़ का मौका मिले सीखने का। थोड़ा शैडो डाल देता हूँ उस तरीके से, उसमें रेफरेंस में नहीं है बट फिर भी कुछ चीज़ें होती जरूरी नहीं जो रेफरेंस में वही आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी साइड से कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं जो रेफरेंस में दिख रहा बस वही आपको करना है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से यही बोलता हूँ
आप रेफरेंस से हट के क्या काम कर सकते हो? रेफरेंस तो सिर्फ एक आपके आइडिया के लिए होता है कि हाँ हमें इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करना है। हमें हर चीज़ कॉपी नहीं करनी है, हम उस चीज़ को लेके हमें काम नहीं करना है। डिटेलिंग ऐड हो रही है, सबको दिख ही रही होगी। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और पास में ला करके आप देख सकते हो। मतलब सॉफ्ट, अभी सॉफ्ट लाइन में काम कर रहा हूँ। डिटेलिंग अभी थोड़ा डेप्थ लाएंगे काम में अभी, तो पहले अभी एक एटलीस्ट एक बेस निकाल लेते हैं। और जैसे कि रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन फिगर जो दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट इसकी हाइट का डबल है, यानी सिटिंग पोज में ये है तो ऑलमोस्ट डबल हाइट का समथिंग यहाँ पे, यानी कि एक इसके कंपेयर अगर एक फिगर जो सामने खड़ा हुआ है वो पहले एक पर्सपेक्टिव अगर लैंग्वेज बात करें तो समथिंग इस तरीके से चीज़ें अलग अलग वे में डायरेक्शन जा रही हैं, यानी कि इस वे में जा रहा है, किसी वन पॉइंट से होकर के आ रही है लाइन। ओके, अभी मैंने सिर्फ इन दो फिगर को कंपोज किया है, अभी पूरा एक मार्केट का सीन अभी देख लेते हैं क्या क्या ऐड हो सकता है, उसके साथ चीज़ें हम ऐड कर देंगे पेज के हिसाब से। ठीक है, मेरा मेन फोकस था कि कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, एक सिटिंग पोज है, एक स्टैंडिंग पोज है, लोग उस चीज़ को उस हिसाब से कर नहीं पाते हैं काम, कैसे होगा काम। अगर एक एक आइडिया लें तो समथिंग सिटिंग पोज समथिंग इतने हाइट में होगा। ओके, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसका हेड ये है और ऑलमोस्ट इस तरीके से, अगर मैं इस चीज़ को काउंट ना करूँ तो फिर ऐसा लगेगा कि वो मतलब वो हम फिर उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो रेफरेंस दिख रहा है वो उससे फिर अलग हट की चीज़ हो जाएगी ना, इसलिए मेरा कहने मतलब है। और तभी बोलता हूँ फ्री हैंड स्केचिंग करते रहो, आप परफेक्ट चीज़ों को बना लोगे अपने हिसाब से। काम ही नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। इसका बैग समथिंग ऐसे, इसने ऐसे इस साइड में जो टांग ही लेते हैं बैग, वो चीज़ पहले रफ में एक ऐसे रफली एक स्केच बना लो। देखो इसने कुछ पॉलीथीन ऐसे पकड़ रखी है इस जगह, पहले रफली बना लो। देखो इस तरीके कैसे ड्रॉ करते हैं, जो लोग दिल्ली से हैं वो कभी कभी जैसे मेट्रो जाते हैं तो वहाँ पे अपनी जो भी मतलब अगर जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है ना, वो मतलब क्या कहते हैं कि स्केच बुक रख सकते हैं अपने साथ। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लाइव काम करने का। लोग बोलते हैं सर लाइव काम कैसे करें, अब इसके लिए कोई वीडियोस नहीं होती लाइव काम करने की, लाइव चीज़ अंदर से आती है ना, ये चीज़ अंदर से आती हैं, इसके लिए कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, बस करते जाओ काम। एक बॉक्स यहाँ पे और रखा हुआ, शायद मे भी आपको ना दिखे, वो बॉक्स क्या है, जो लाइट जली उसकी बैटरी रखी हुई है एक्चुअली उस तरीके से। तो वो जो पैर है वो एक पैर का लेग जो है वो एक बैक साइड की हो रहा है, समथिंग इस जगह पे ऐसे ऐसे इस तरीके से खड़ा हुआ है। ओके, आपको आइडिया दिख ही रहा होगा, बाकी इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। और कोई ऐसा कोई आपको कोई रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं कर रहा, आपको कॉपी नहीं करना है, सिंपल सा बस उसका इफेक्ट देना है। देखो सिर्फ एक आइडिया कि हाँ किस तरीके से चीजें हो रही हैं, बस एक फील इतना। मैं सिर्फ रेफरेंस आइडिया ले रहा हूं, मैं उसका आईज नो लिप्स ये सब मैच नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा मैं पोर्ट्रेट का डेमो नहीं दे रहा हूं। देखो किस तरीके से ये इसकी कॉलर आ जाएगी यहाँ पे समथिंग इस वे में, आपको शैडो दिख रही होगी उतना प्रॉपर, उसका फील दिख नहीं रहा होगा हैंड का। इसका बैग भी ऑलमोस्ट थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क की हल्की सी लाइन इस तरीके से एक हैचिंग सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस चीज में, काम जरूर करना आप, बिना सिर्फ वीडियो देख के कुछ उससे हासिल नहीं होगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे।
तरीके से आप देख सकते हैं। इसने से यहाँ पे कुछ इसमें वेजिटेबल्स ले रखी हैं, पॉलीथीन के अंदर है। हल्का सा फील तो कोई आप कोई शेडिंग तो कर नहीं रहे हो या कोई ऐसा आप कोई कलरिंग तो काम कर नहीं रहे हो, बस नॉर्मली। अब इस तरीके से देख सकते हैं एक इफेक्ट आ गया। यहाँ पे शूज हल्के से डार्क होंगे और पीछे का भी शूज थोड़ा सा डार्क होगा, वो हल्का सा थोड़ा सा हॉज पॉज उतना ज़्यादा फील नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसे एक लाइट इसके हेड के पास समथिंग यहाँ पे ऐसे दिख रही है, तो लाइट को पूरा मैं बस एक लिखेगा कि हाँ इस तरीके से आगे की ओर, बट उसको बनाऊंगा नहीं पूरा, इसके आगे की लाइट बनाता हूँ जो इसके आगे है। कुछ चीज़ें हम कट कर देंगे तरीके से आप देख सकते हैं। और बस एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, अपने आप चीजें आती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। देखो ध्यान रखना होता है एक चीज को बहुत सही तरीके से, यहाँ पे कहीं आगे की ओर लाइट लगी, अभी ज़्यादा मैं आगे फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे बोरी पड़ी हुई है इसके यहाँ पे, और वेजिटेबल्स हैं जो आगे की ओर हैं। जैसे भी आपको वीडियो लग रही हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे और इसको और डेंस कर देते हैं इतने एरिया को, जिससे कि डेप्थ लगे कि हाँ कुछ पास की चीज़ें डिस्टेंस दिखाएं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड थोड़ा लाइट कर सकते हैं। पीछे की जैसे बहुत और भी सब्जियाँ ऐसे रखी हुई हैं, पोटैटो या मे भी प्याज या कुछ भी है उतना, तो उस चीज़ को हल्का हल्का हम थोड़ा डार्क कर दें, जिससे कि हम इस चीज़ को विजिबल कर पाएँ। या फ्रंट ऑब्जेक्ट लाइट होगा तो बैकग्राउंड डार्क होगा, ओके। या फ्रंट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि डार्क होगा तो बैकग्राउंड लाइट होगा, तो दोनों में कोई ना कोई एक चीज़ को आपको विजुअल करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा मेथड भी नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। अब इसके पीछे से फिगर है, यहाँ पे से यहाँ बैठा हुआ है, सर पे नहीं बैठा हुआ है आप रेफरेंस में आपको लग रहा है, लेकिन समथिंग इसी के ऊपर है और इतनी हाइट में ऑलमोस्ट, तभी डिस्टेंस फील आ पाएगी ना, तो ऐसे कैसे आ पाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके पैर रिलैक्स, मतलब हल्का सा बस एक फील दिखाना है, ऐसा कोई आपको इतना रियलिस्टिक काम नहीं करना है कि कोई उसको एकदम 3D ऐसा फील देना है ह्यूमन फिगर में, नॉर्मली। तभी डेप्थ आएगी। उसने मेरी मास्क लगाया हुआ है तो हल्का सा मैंने मास्क लगा दिया। और पीछे से एक वॉल जा रही है, हर चीज कैसे हो रही है स्टेप बाय स्टेप आप वो चीज देख सकते हैं। और उसके यहाँ पे बैक साइड में बोर्ड भी रखा हुआ है, बोर्ड अगर आप ध्यान देखेंगे आपको दिख जाएगा, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ जिससे कि ये डेप्थ में निकल सके। देखो हर ये लाइन और मतलब ये लाइन सारी किसी वन पॉइंट से आ रही हैं, आई होप आपको इसका फील दिख रहा होगा। यहाँ पे एक टोकरी, रखी हुई है यहाँ पे कुछ बोरी या ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ रखे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा डार्क कर दो।
मतलब कुछ भी, कुछ चीज़ें आप अपनी साइड से भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो दिख रहा है बस वही, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर दो, क्या प्रॉब्लम है। पर्सपेक्टिव खास कर ध्यान रखना है, बिना पर्सपेक्टिव कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब बिना बोले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट विदाउट पर्सपेक्टिव, हर चीज़ पर्सपेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो हर चीज़ में एक पर्सपेक्टिव है, लोग उस चीज़ को उस तरीके से करते नहीं है, बना तो देते हैं डायरेक्ट लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है उस चीज़ को भूल जाते हैं, तभी तो ड्राइंग गलत हो जाती है। अब देखो इस चीज़ को, मैंने आपको बहुत बड़ा एरिया दिख रहा होगा रेफरेंस, लेकिन मैं थोड़ा फोकस में ले रखा है इमेज को, ठीक, मैंने थोड़ा आपको थोड़ा जूम करके बना के दिखा, ऐसे कि अब वही थोड़ा छोटा और ड्राइंग करता आपको दिखती ना वीडियो में, इसलिए मैं आपको उस तरीके से दिखा रहा हूँ। थोड़ा डिटेलिंग इसमें और ऐड करनी है तो आप चाहो तो इसमें कहते हैं 5B या 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मैं इसमें 6B या 8B, जो भी आप हैंडल कर पाओ वो पेंसिल। थोड़ा डार्क कर दिया, देखो हल्की डार्कनेस ऐड हुई। ओके, एक चीज़ को थोड़ा फोकस में तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ों पे आप कंपेयर नहीं कर पाओ कौन से डेप्थ में है। बाद में डार्कनेस ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये चीज़ पहले होगी या ये चीज़ बाद में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा उस चीज़ में प्रोफेशनल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा डार्क किया, देखो डेप्थ हल्के से दिखने लगी, थोड़ा इसको और हल्का हल्का बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर देते हैं। ऑलमोस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ हैचिंग में कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ उस तरीके ही वर्क करके दिखाऊँ। तो पूरा मैंने फ्लैट डार्क कर दिया है बैकग्राउंड, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले मेन मेन चीज़ मैं हल्के डेप्थ में निकाल लेता हूँ। ये वाला एरिया यहाँ पे समथिंग, यहाँ बोरी ऐसे पड़ी हुई है इसके यहाँ पे, तो हल्का थोड़ा डार्क कर देते हैं। इस चीज़ को भी नॉर्मली ड्राइंग, देखो जब भी मतलब डिस्टेंस दिखानी हो, अगर आपको लगता है कि कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें कम दिखानी, मतलब कम दिखानी है और लेकिन डेप्थ में दिखानी है, तो आप जो पास के ऑब्जेक्ट उनको थोड़ा डार्क कर सकते हो लाइन के थ्रू। डिटेलिंग अगर ऐड नहीं करनी है ज़्यादा तो तब आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। देखो थोड़ा सा डार्क, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके। जैसे यहाँ पास के, जैसे यहाँ पे जो मैं भी प्याज ऐसे रखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा आप डार्क कर दो, क्या दिक्कत है। जैसे ये थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगी ना, देखना कितना बढ़िया फील आएगा। मैं हल्का दिखाता हूँ करके आपको। देखो मेन टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक समझ में आ गई हो, बाकी आपकी प्रैक्टिस, जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना उस चीज़ में परफेक्ट होंगे। अलग अलग ओवरलैपिंग, जितना ब्रॉड होगा उतनी ही डिस्टेंस आपको दिखेगी। थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें डार्क, इसको और थोड़ा इसमें, मैंने यहाँ थोड़ा लाइट लाइन में काम किया है, थोड़ा सा आप डार्क लाइन में काम कर सकते हो, तभी डेप्थ आएगी अच्छे से। पूरा इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ जो आगे के एरिया है, जैसे इसको थोड़ा सा, जैसे उसमें आप रेफरेंस देखो जहाँ जहाँ शेडो दिख रही है बस वहाँ वहाँ पर हल्का हल्का इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो जहां जहां डेप्थ है वहां वहां हल्का डार्क कर दो। और कोई एक ही चीज कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से वैसा एक फील ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि जैसे एक 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 ग्राउंड वहां हर एक ही चीज कॉपी करो, ऐसा नहीं है। देखो इस तरीके से
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे साइड में से स्कूटी का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, पर मैंने उसको थोड़ा एक उसको डलिया में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो वही है ना कि चीज़ें पता होती हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे डलिया रखी होगी मे बी वो चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें भी एक अपना ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फील आ रहा है। कुछ भी ऑब्जेक्ट होंगे इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा। तरीके से एक डेंस दिखने लगा ना एरिया, देखो यहाँ का एरिया, इसके इसको देखो कैसे मैंने डेंस कैसे किया मैंने इस चीज़ को, बस डिटेलिंग धीरे करके ऐड करता गया, एकदम से नहीं, पहले चीज़ों को बना लिया उसके हिसाब से काम किया, ये नहीं कि मैंने पहले डार्कनेस ऐड कर दी थी, पहले धीरे करके निकाली चीज़ें उसके बाद। फेस में हल्का सा थोड़ा नोज, लिप्स का पार्ट, तरीके से मतलब वो तो अपने हिसाब से कर सकते हो आप वर्क, ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी बैक को और डार्क कर सकते हो, थ्रस्ट को और डार्क डार्क करने से अपने आप उसमें एक डेप्थ फील आएगी। देखो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा देखने में, ट्राई जरूर करिएगा आप लोग इस चीज़ को। तो इसे मेरे बता देने से आप सीख नहीं जाओगे, आपको ट्राई भी करना पड़ेगा उस चीज़ में, जैसे कुछ वायर हैं हल्के हल्के उस तरीके से। इतना पार्ट अभी आप लोग देखो जितना मैंने करके दिखाया है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ शॉप होगी, पीछे इसके आई लेवल के पास से ये शॉप का इतना एरिया, इतना लाइट लाइट एरिया ऑलमोस्ट दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में वो सर में भी लगता है वो भी आलू ही बेच रहा है, छोटे छोटे उसमें हल्का सर्कल में दिखाएंगे वो चीज़, बहुत ही लाइट उसमें देखो इस तरीके से एक सबको अब डेप्थ आ रही है ना, देखो पीछे बहुत ही लाइट उसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, डेप्थ सबको दिखने लगी होगी। तो मेन टेक्निक ही होती है कैसे आप काम कर रहे हो, वो जरूरी होता है, मजबूरी में भी ज़्यादा डार्क नहीं कर सकता हूँ बैकग्राउंड में क्योंकि तो इसको लाइट ही रखना है। अगर हल्का हल्के से मैंने डार्कनेस अगर गलती से ऐड भी कर दी तो ख़राब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक प्रस्पेक्टिव फील आ रहा है ना वो सब एकदम सब गड़बड़ जाएगा, वो मेरा कहने का मतलब है। करने को तो मैं कर दूँगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। चीज़ों को मैं अपने हिसाब से फ्री हैंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि कैसे चीज़ें होंगी किस तरीके से होंगी। अभी आप लोग मेरे जो बिगनर हैं उनको नहीं पता होता है किस तरीके से वर्क करना है। यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे भी एक मे भी किसी चीज़ की दुकान है, मुझे पता नहीं है, उसने ऐसे यहाँ पे एक बाल्टी ऐसा कुछ रखा है और बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। देखो बहुत ही कम डिटेल, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर ऐसे खड़ी जो उससे कुछ मांग रही है मे भी। देखो बहुत ही लाइट में इसके यहाँ पे जैसे रोड है तो सिंपल ज्यादा फिगर कुछ चलते हुए आ रहे हैं, इसके साइड में यहाँ पे भी फिगर एक खड़ी हुई है, और फिगर को अपने हिसाब से आप चेंज भी कर, जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही आपको फिगर बनाना है, अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे एक गेट है, आप गेट दिखा दो तो अब एक चीज बन गई ना, अब हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बोलता हूँ कि बहुत ही पेशेंस बना के रखो, काम करो, सब आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस बनाओ आप लोग अपने अंदर, जल्दबाजी में ऐसा काम ना करो जो ख़राब हो जाए। देखो डेप्थ आ रही है,
ये इसको मैंने डार्क किया, इसको डार्क किया, थोड़ा फोकस में है, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड थोड़ा लाइट सबको दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो बस वही है कि थोड़ा सा, अब वही है कि मैं जितना कह सकता हूँ, बाकी जितना आप काम कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मेरे बताने से वो चीज़ एकदम अच्छी हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, आपको काम भी करना पड़ेगा उस चीज़ में। इस शॉप की जो लाइट या जो पर्दा ऐसे पड़ा होता है वो, जी अभी नाइट का सीन है तो इसमें फिर डार्कनेस करेंगे फिर तब वो फील आएगा, अभी तो उसमें उतना ज़्यादा फील हम, उसकी पेंसिल टूट भी गई चीज़। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पेंसिल बैकअप में रखता हूँ मैं अपने, ठीक है, पूरा सेट लेके बैठता हूँ। नॉर्मली तो इसको हल्का हल्का थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हो, डार्क के हल्का हल्का थोड़ा सा इस तरीके से, देखो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना उस चीज़ में। पीछे और दुकान शॉप दिख रही हैं हल्का हल्का, वो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक फिगर है जो कि आ रहा है। अब देखो जो पीछे फिगर है एक वही पर्सपेक्टिव में है, जैसे कि ये लाइन एक वन पॉइंट जा रही है तो पीछे ये जो एक जो इस हेड से अगर हम देखें किसी पॉइंट, हम पॉइंट जब हम कोई फ्री हैंड को रेफरेंस लेते हैं तो हम पॉइंट को ये नहीं कि एकदम दिखा देंगे यहीं से आएगी, क्योंकि हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट किसी पेज के बाहर बनेगा तो हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हाँ आ रही होगी, बस इतना आइडिया लेते हैं, ठीक है, समथिंग इस तरीके से। यहाँ पे समथिंग एक फिगर होगा, इसकी बेस लाइन से देखो ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरीके से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको अगर ऐसी वीडियो नेट में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपको ऐसी वीडियो इंटरनेट पे कहीं मिल जाए इतने सही तरीके समझाते हुए तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर ऐसी हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, अगर ऐसी वीडियो आपको मिलती है समझाई, मतलब एक होता ना देखो ये चीज़ें अंदर से आती हैं, समझाने वाला पार्ट अंदर से आता है, क्योंकि तो मुझे पता है कि आप लोग क्या फील करते हो, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि एटलीस्ट एक बिगनर स्टूडेंट को क्या क्या नीड होती है, क्या क्या समझाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको उस तरीके समझा रहा हूँ। और जो हिंदी में एक जो फीलिंग है ना समझाने की वो किसी अदर लैंग्वेज में भी नहीं, सही बता रहा हूँ, जो हिंदी में एक बात है समझाने की वो किसी अदर लैंग्वेज में भी नहीं है। आप जो इसमें बेस्ट समझ सकते हो वो कुछ, मतलब एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फिगर, डिस्टेंस और डिस्टेंस फील आ गई ना, तो बस वही काम करो, जितना बन रहा है एटलीस्ट ट्राई तो करो, बिना ट्राई किए क्या आप परफेक्ट हो गए या मैं परफेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं ना, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आप तो इंस्टाग्राम पे आप देखते भी हो, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया वो लोग फॉलो कर सकते हैं, सैंकी आर्ट करके मेरा पेज है, SHNKYART, और मेरी ऑनलाइन भी होती हैं क्लासेस, शायद आप लोग को ना मालूम हो तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9559480989, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग को अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं, उसमें स्केचिंग के भी हैं, वाटर कलर के भी क्लासेस होती हैं। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है कि कुछ मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो मैं फोर्स नहीं करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, जिसको जैसा लगता है अच्छा लगता है बिल्कुल करिए, नहीं लगता कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ वो आपकी चॉइस है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी कुछ नेक्स्ट वीडियो होगी उसका आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जब मैं कभी कभी लाइव देता हूँ तो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, तो जो लाइव की क्लास होती है ना उसका मजा ही, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर का मैं आंसर भी कर सकता हूँ ना, इसलिए वो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्टीज हुई होगी, ये कि आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से काम होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। अब देखो सबको एक डिस्टेंस दिख रही ना, ये पास के फिगर डार्क हैं, बैकग्राउंड फिगर थोड़े से लाइट रखें जिससे कि एक डिस्टेंस फील आ सके, और भी हो सकता है काम, मतलब मेरे हिसाब से इसमें तो बहुत सारा काम है, लेकिन आपको जितना सीखना है आपके साथ जितना बेस्ट, आप जितना आपको लगता है कि हाँ अभी इतनी नीड है, मैंने आपको उस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें ट्राई कीजिएगा देखिएगा, और कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो आप क्या कहते हैं कि कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे, तो मैं आपके आंसर ज़रूर ज़रूर करता हूँ, आपने देखा भी होगा कि आप लोग कमेंट करते हैं उसका मैं आंसर करता हूँ। सो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच सभी लोग को, और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं नंबर आपको बता ही दिया है, तो आप लोग जैसा भी इंक्वायरी कीजिएगा, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, थैंक यू।